राजस्थान में अब हालात बदल चुके हैं। पहले गैंगस्टर हत्या करके खुलेआम सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी लिया करते थे, लेकिन अब वो गैंगस्टर डरे हुए हैं। कोई डर के मारे ढाबे पर बर्तन मांज रहा है, तो कोई अपने आप मौत के डर से पुलिस के सामने सरेंडर कर रहा है। राजस्थान के सीकर के गैंगस्टर राजू टेहट की हत्या का मामला हो या फिर जयपुर के जी क्लब में फायरिंग करने का मामला, गैंगस्टर बहुत ही चौड़े होकर हर मामलों में सोशल मीडिया पर शान से जिम्मेदारी लिया करते थे, लेकिन अब वही हार्डकोर बदमाश पुलिस के सामने डर के मारे गिड़गिड़ा रहे हैं। डर इस बात का कि कहीं पुलिस उनका एनकाउंटर न करते। खौफ में बदमाश अपनी वीडियो बनाकर अपने फॉलोअर्स को अपराध की दुनिया से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं। अपने हालात बता रहे हैं कि कैसे वो ढाबों पर बर्तन धोने को मजबूर हो चुके हैं। तो राजस्थान में अचानक ये बदलाव कैसे हुआ? लॉरेंस बिश्नोई हो या फिर रोहित गोदारा, पपला गुर्जर हो या फिर विक्रम लादेन, सभी बदमाशों की गिग्गियां बच चुकी हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? तो बने रहेगा इस वीडियो के अंत तक, बताएंगे आपको राजस्थान में गैंगस्टरों के ऊपर चलाए जा रहे ऑपरेशन वज्र को लेकर विस्तार से, जिसमें हर गैंगस्टर अब अपनी जान की दुहाई लगा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज। दरअसल पिछले 6 महीने में जिस तरह से राजस्थान में अपराध का स्तर लगातार देखने को मिला, उससे न सिर्फ सरकार की नींद उड़ी बल्कि आम जन में गैंगस्टरों का भय लगातार बढ़ता गया, जिसके बाद राजस्थान पुलिस के तेवर बदल गए और पुलिस ने 1 महीने में भागने की कोशिश कर रहे दर्जनों बदमाशों के पैरों में गोलियां मारकर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। प्रतिष्ठित अखबार दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दिनेश एमन और गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव ने अपराध के खात्मे का एक नया एक्शन प्लान तैयार किया है। ये वो एक्शन प्लान है जो लॉरेंस बिश्नोई से लेकर आनंद पाल जैसे बड़ी गैंग को तोड़ने के लिए बनाया गया है। 17 जनवरी के दिन राजस्थान पुलिस ने विदेश में बैठकर प्रदेश में क्राइम को अंजाम देने वाले गैंगस्टर्स की सूचना देने के लिए सीबीआई को एक लेटर भेजकर इंटरपोल की मदद मांगी। लेटर में राजू टेहट मर्डर की जिम्मेदारी लेने वाले विदेश में बैठे गैंगस्टर रोहित गोदारा की जानकारी मांगी गई थी। राजू टेहट की हत्या के बाद से गैंगस्टर रोहित गोदारा जयपुर और बीकानेर के कई व्यापारियों से व्हाट्सएप कॉल पर धमकी देकर फिरौती मांग रहा था। एक्शन का रिजल्ट अब ये हुआ कि इंटरपोल की मदद से विदेशों में बैठे इन गैंगस्टर्स को पकड़कर भारत लाने की कवायद शुरू हो चुकी है। राजस्थान के बिजनेसमैन को फिरौती के लिए धमकाने वाले गैंगस्टर रोहित गोदारा की लोकेशन को पुलिस अब पता लगा चुकी है। लॉरेंस गैंग का सबसे बड़ा सरगना रोहित गोदारा फिलहाल दुबई में बताया जाता है। उसने अजरबैजान और दूसरे देशों में भागने की कोशिश की, लेकिन वहां इंटरपोल कॉल की वजह से वो नहीं भाग सका। उसका पासपोर्ट पवन कुमार के नाम पर है। गैंगस्टर्स और बदमाशों को रडार पर लेने के लिए 2 फरवरी के दिन पुलिस मुख्यालय ने ऑपरेशन वज्र प्रहार शुरू किया। इस ऑपरेशन में प्रदेश के सभी एसपी और डीएसपी को आदेश दिए गए कि वो पूरे प्रदेश के बदमाशों, गैंगस्टर्स और हिस्ट्रीशीटरों की सूची तैयार करें। जिन बदमाशों ने अवैध तरीके से प्रॉपर्टी बनाई है उसे भी सूचीबद्ध किया जाए। वहीं ऐसी संपत्तियों को ध्वस्त करने के लिए कार्रवाई शुरू करने के निर्देश भी दिए गए। आदतन अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोलने के भी आदेश दिए गए। उस एक्शन का रिजल्ट ये हुआ कि हाल ही में 29 मार्च को पाली के मणिहारी गांव में हार्डकोर हिस्ट्रीशीटर जबर सिंह द्वारा किए गए अतिक्रमण को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। पुलिस को अब तक के क्राइम पैटर्न से ये समझ में आ रहा था कि विदेश में बैठे गैंगस्टर्स सोशल मीडिया के जरिए नाबालिग लड़कों और युवाओं को गुमराह करके अपनी गैंग से जोड़ रहे थे और उनसे क्राइम भी करवा रहे थे। ऐसे में एक्शन प्लान के मुताबिक पुलिस ने गैंगस्टर्स के सोशल मीडिया पेज, ग्रुप्स, फोन नंबर्स को सर्वेलांस पर लिया। इन गैंगस्टर्स से प्रभावित होकर उन्हें फॉलो और लाइक करने वाले युवाओं पर शिकंजा कसना शुरू किया गया। इसी कड़ी में 3 फरवरी को जयपुर पुलिस ने सोशल मीडिया पर गैंगस्टर्स को फॉलो करने वाले 20 लोगों को गिरफ्तार किया और मीडिया में उनकी फोटो और नाम रिलीज किए। वहीं कई नाबालिग लड़कों के माता पिता को बुलाकर हिदायत भी दी गई। 13 फरवरी को राजस्थान सरकार ने 75 आईपीएस ऑफिसर के ट्रांसफर किए। 2 बदलाव बड़ी चर्चा में रहे। पहला एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दिनेश एमन को एसीबी एडीजी से हटाकर पुलिस हेडक्वार्टर में क्राइम एडीजी के पद पर लगाया गया, ताकि राजस्थान में गैंगस्टर को सपोर्ट करने वाले हर नेटवर्क को तोड़ने पर काम हो। दूसरा ये कि क्राइम एडीजी रहे रवि प्रकाश मेहरणा को पहली बार बनी साइबर क्राइम सेल और सिविल राइट का डीजी बनाया गया। साइबर क्राइम सेल का गठन भी अपराधियों और विदेश में बैठे गैंगस्टर्स के गठजोड़ को तोड़ने के लिए किया गया था। राजस्थान पुलिस ने सबसे पहले गैंगस्टर को लोकल सपोर्ट देने वाले बदमाशों पर शिकंजा कसा। क्राइम एडीजी दिनेश एमन के एक्शन प्लान पर ही 19 मार्च को राजस्थान पुलिस ने 5.5 घंटों में 7 जिलों से 652 बदमाशों को एक साथ गिरफ्तार किया।
इनमें से एक बदमाश से बुलेट प्रूफ जैकेट भी मिली। ये जैकेट एनकाउंटर में मारा गया गैंगस्टर आनंद पाल इस्तेमाल किया करता था। पकड़े गए बदमाशों में गैंगस्टर आनंद पाल और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य भी शामिल थे। उसको लोकल सपोर्ट किया करते थे। करोड़ों रुपए के अवैध कारोबार और अवैध संपत्तियों का खुलासा भी हुआ। इन कार्रवाइयों का नतीजा ये हुआ कि नेपाल में छिपकर बैठा गैंगस्टर ऋतिक बॉक्सर वापस जयपुर आने को मजबूर हो गया। लोकल सपोर्ट बंद होने से उसके पास महज 22,000 रुपए बचे थे। आईपीएस एमएन ने पोस्ट ज्वाइन करते हुए कहा था कि मैं जेल में इन बदमाशों के साथ रहा हूं। अब टीम के साथ मिलकर गैंग्स के नेटवर्क को तोड़ेंगे और खात्मा करेंगे। एक्शन प्लान तैयार है। राजस्थान पुलिस ने गोली का जवाब गोली से देना शुरू कर दिया है। महज एक महीने में जयपुर, भरतपुर, धौलपुर समेत कई जिलों में पुलिस और बदमाशों का 10 से ज्यादा बार आमना सामना हुआ। इस दौरान 9 से ज्यादा हार्डकोर बदमाशों के पैरों में गोलियां मारी गई। वहीं कई बदमाश पुलिस कार्रवाई के दौरान पैर टूटने से घायल हुए और यही वजह थी कि तस्कर और विदेशी अवैध आर्म्स सप्लायर 00 गैंग का सरगना पुलिस से जान की गुहार लगाने लगा था। इस एक्शन का रिजल्ट यह हुआ कि गैंगस्टर राजू मांजू का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसमें वो कहता दिखा उसने हीरोगिरी के चक्कर में 007 गैंग बनाई थी, लेकिन उसे भीख मांगकर टी-शर्ट उतारकर खाना खाना पड़ा, होटल के जूठे बर्तन साफ करने पड़े। इस वीडियो में गैंगस्टर राजू मांजू ने युवाओं से अपील की कि वो अपराध जगत में किसी को फॉलो ना करें और ना ही किसी अपराधी को अपना आइडियल माने। तो राजस्थान की पुलिस अब दिनेश एमएन की अगुवाई में इन बदमाशों की कमर तोड़ने में लगी हुई है और उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्दी लॉरेंस बिश्नोई जैसे तमाम बड़े गैंगस्टर अब पूरी तरह से ध्वस्त कर दिए जाएंगे। आपका दिनेश एमएन साहब को लेकर क्या कहना है नीचे जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए पीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।